हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 48 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियुक्त गण पर धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध का अभियोग इस प्रकार है कि उसने दिनांक 21/7/2017 को समय 16 बजे फरियादी पूर्ति श्रीवास्तव के घर जवाहर नगर देवास पर स्थित कपड़े की दुकान, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है, दो क्रीम कलर की साड़ियां, एक बॉर्डर वाली जामुनी साड़ी तथा एक पीले कलर की साड़ी, कीमत कुल ₹1900 को फरियादी के आधिपत्य से उसकी सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी कारित की। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। अभियोजन सारांश इस प्रकार है कि दिनांक को लगभग 4 बजे 3 महिलाएं पूर्ति श्रीवास्तव की जवाहर नगर देवास में स्थित दुकान पर आई थीं। फुल स्टॉप। फरियादी की जेठानी उन्हें साड़ियां दिखा रही थी और मोल भाव कर रही थी। फुल स्टॉप। उक्त 3 महिलाओं ने साड़ियां नहीं खरीदी और जब फरियादी की जेठानी साड़ियां जमा रही थी, तब देखा कि 4 साड़ियां गायब हैं। फुल स्टॉप। इस पर फरियादी उसकी जेठानी अभियुक्त गढ़ के पीछे भागी। फुल स्टॉप। अभियुक्त गढ़ को पकड़ने के दौरान उन्हें वार्ड पार्षद रूपेश मिला, जिसकी मदद से अभियुक्त गढ़ को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम प्रेमबाई, सुमनबाई एवं सुमित्राबाई होना बताया। फुल स्टॉप। अभियुक्त गढ़ के पास से उक्त साड़ियां तलाश करने पर मिली। फुल स्टॉप। उसके उपरांत तीनों अभियुक्त गढ़ को मय साड़ियों के पकड़कर पूर्ति श्रीवास्तव द्वारा आरक्षी केंद्र कोतवाली देवास ले जाकर की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। फुल स्टॉप। उक्त अपराध क्रमांक की
विवेचना उपनिरीक्षक शहनाज खान द्वारा की गई। फुल स्टॉप। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण से उक्त साड़ियां जब्त कर जब्ती पंचनामा लगायत आठ बनाया गया तथा अभियुक्तगण का गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फुल स्टॉप। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। अभियुक्तगण ने अपराध विवरण अस्वीकार किया। अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फसाया जाना व्यक्त किया। फुल स्टॉप। अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। फुल स्टॉप। रूपेश ने कथन दिया कि घटना साल भर पुरानी होकर वर्ष 2017 की होकर दोपहर 4 बजे के लगभग की है। फुल स्टॉप। उसे मोहल्ले की पुष्पा श्रीवास्तव का फोन आया था कि उसके घर के सामने चोरी हो गई है और चोरों को पकड़ लिया गया है। फुल स्टॉप। साक्षी ने यह भी कथन दिया कि उसे यह भी पता चला था कि चोरों को पकड़कर थाने ले जा रहे हैं। इस पर वह सीधे बाजार से थाने पर गया था। फुल स्टॉप। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया कि जब वह थाने पर गया था तब देखा था कि कोई अन्य व्यक्ति चोर है। फुल स्टॉप। न्यायालय उपस्थित अभियुक्तगण नहीं है। फुल स्टॉप। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन कथनांक का समर्थन नहीं किया है। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। पूर्ति श्रीवास्तव एवं मधु श्रीवास्तव का कहना है कि घटना साल भर पुरानी होकर 4 बजे की है। फुल स्टॉप। वे दोनों घटना के दिन उनकी दुकान में बैठी हुई थी। फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।